विद्यार्थी आपके बीच एक सपेरे की वेशभूषा में हरियाणा प्रदेश में सपेरा जाति हमारी एक लोक परंपरा का हिस्सा है और उस हिस्से में हरियाणा प्रदेश के सभी सपेरा समुदाय के लोग गांव-गांव में जाकर के बीर की धुन पर लहरा लगाते हैं, गीत गाते हैं और यह हमारी लोक परंपरा का हिस्सा है। आरकेएसटी कॉलेज कैथल के यह प्रतिभागी आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं सपेरे की वेशभूषा में, और इसके पश्चात अगली कड़ी पर हम आते हैं लेकर के हमारे अगले प्रतिभागी गवर्नमेंट कॉलेज अलेवा से। जी हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज अलेवा जींद के यह विद्यार्थी आपके समक्ष आ रहे हैं। हरियाणा में जो खेती करता हुआ किसान किस तरह से अपने हरियाणा प्रदेश की खेती को जब खेतों में काम कर रहा है तो उस वक्त उसे किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, कसी, कसोला, चिलम, ओका, लठ, गोसा, तो ये हरियाणा प्रदेश की परंपराओं का हिस्सा है। और किसान खेत में काम करते हुए किस तरह से अगर चोट भी लग जाए तो मिट्टी को अपनी चोट पर लगाकर फिर से काम करना शुरू करता है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हरियाणा के किसान के लिए। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रुकनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं हम तीसरी पादानगी तीसरे नंबर पर। हम आते हैं गीता यूनिवर्सिटी नौलखा पानीपत के विद्यार्थी हमारे बीच आ रहे हैं। यह है हरियाणा प्रदेश की एक परंपरा का हिस्सा है कि किस तरह से हमारे समाज में लोक परंपराओं का, लोक गायन का, लोक नृत्य का किस तरह से प्रदान होता है, वह सभी स्थिति आपके समक्ष। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां बजा करके कलाकारों का मनोबल बढ़ाएं और अपने हरियाणा प्रदेश की लोक संस्कृति को जिंदा रखने में जो अहम भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, इसके पश्चात हमारे अगले प्रतिभागी शहीद दलबीर सिंह गवर्नमेंट कॉलेज खरखोदा सोनीपत। जी हाँ, हरियाणा प्रदेश में हमारे बुजुर्ग ससुराल में बटेऊ फूफा किस तरह से उसका आना होता है, और जो हमारे रिश्तेदार जो पहले हमारे परंपरागत तरीके से आते थे उसमें यह भूमिका निभाते हुए, और इसके पश्चात अगले हमारे प्रतिभागी आ रहे हैं द्रोणाचार्य डिग्री कॉलेज कुरुक्षेत्र। जी हाँ, द्रोणाचार्य डिग्री कॉलेज कुरुक्षेत्र के यह विद्यार्थी आपके समक्ष। किस तरह से हमारा जवान, हमारा युवा खेतों में किस तरह काम करता है, दंगल में, अखाड़ों में किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है, आज हरियाणा का खिलाड़ी पूरे विश्व में छा गया है। तो हरियाणा के खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाते हुए और परंपरा को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले प्रतिभागी आ रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज हांसी। जी हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज हांसी के यह विद्यार्थी के किस तरह से खेती की रखवाली करते हुए हम किन किन साधनों का उपयोग करते हैं और किस तरीके से हम गोफिया घुमा करके पक्षियों को बाजरे की फसल से या अन्य फसलों से हम अपने पक्षियों से किस तरह से किसान रखवाली करता है, तो आइए देखते हैं ये बहुत ही सुंदर अंदाज में गोफे का प्रस्तुतिकरण। और इसके पश्चात हमारे अगले प्रतिभागी आ रहे हैं जो हैं गवर्नमेंट KM गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना। जी हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना के विद्यार्थी जो भूमिका में हैं दिखा रहे हैं किस तरह से हमारे किसान हमारे गांव में खेती बाड़ी का काम, चाहे हमारे औजार का, चाहे दराती लगाने का, चाहे ताले ठीक करने का, ये सभी तरह के काम किस तरह से काम करते हैं। ये हमें बता रहे हैं कि किस तरह से ग्रामीण आंचल में हम आकर के अपने दैनिक चीजें जो थी उनका प्रयोग किस तरह से करते हैं। ये थे हमारे प्रतिभागी गवर्नमेंट कॉलेज नरवाना, और उसके पश्चात हमारे प्रतिभागी हैं यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट
यूटीडी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के विद्यार्थी किस तरह से किसान खेत में काम करता है, किस तरह से कृषि लेकर के जाता है, किस तरह से पानी देता है, वो सभी चीज़ें आपके समक्ष यह विद्यार्थी यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के विद्यार्थी। और उसके पश्चात हमारे अगले प्रतिभागी हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार के विद्यार्थी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के यह विद्यार्थी तेरू परंपरा को जिंदा रखे हुए। किस तरह से हम तेरू की परंपरा को और उसके पश्चात हमारे अगले प्रतिभागी आर्य पीजी कॉलेज पानीपत। जी हाँ, आर्य कॉलेज पानीपत के यह विद्यार्थी लेकर के चले हैं किस तरह से बैल को लेकर के किसान खेतों में जाता है। खेतों में काम करते वक्त बैल की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके पश्चात हमारे अगले प्रतिभागी गवर्नमेंट कॉलेज नारनौंद के यह विद्यार्थी नारनौंद डिस्ट्रिक्ट हिसार। गवर्नमेंट कॉलेज नारनौंद के विद्यार्थी आपके बीच आ रहे हैं। हरियाणा का पहनावा, हरियाणा का ओढ़ना और पहनना, और जो पंडित जी हैं इस तरह से हवन करवाने के लिए हवन की भूमिका में हरियाणा प्रदेश में ऋषियों मुनियों की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए हमारे पंडित किस तरह से पूजा पाठ करते हैं। ये हमारे फोक कॉस्ट्यूम मेल के विद्यार्थी जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई। हरियाणा प्रदेश की लोक संस्कृति का हिस्सा, हरियाणा का हमारा परंपराओं से जुड़ा हुआ वेशभूषा हरियाणा प्रदेश की आपके समक्ष रत्नावली के इस महोत्सव में सभी विद्यार्थियों के द्वारा की गई है। और फोक कॉस्ट्यूम मेल ये सब प्रतिभागी और इसके पश्चात हमारी अगली परंपरा आरंभ होने जा रही है फोक कॉस्ट्यूम फीमेल। जी हाँ, फोक कॉस्ट्यूम फीमेल के सभी प्रतिभागी मंच पर हैं।